तो सबसे पहले गाइज आप सब लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हमजा लतीफ। तो फाइनली गाइज मैं आप लोगों के लिए इस कोर्स की लास्ट क्लास लेकर आ गया हूँ, और अगर आप लोग बाकी क्लासेस भी देखना चाहते हैं तो आप लोग प्रीमियम प्रो की प्लेलिस्ट को जो है चेक कर सकते हैं। तो गाइज़ इस क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग जो है अपना प्रोजेक्ट किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, और कैसे आप लोग जो है अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हैं प्रीमियम प्रो में। तो गई सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग किस तरह अपना जो प्रोजेक्ट है वो किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर ये प्रोजेक्ट ऑन है, तो मैं इसको कैसे जो है किसी के साथ शेयर कर सकता हूँ। जब वो इस प्रोजेक्ट को ऑन करे तो उसके पास सेम यही वीडियोस और यही जो टाइमलाइन में सेटिंग हुई है यही सब कुछ उसके पास आ जाए। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने जाना है ऊपर फाइल में। फाइल में जाने के बाद हम जाएंगे यहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजर, आपके पास ऑप्शन होगा सेकंड लास्ट पे, इसको आपने क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने इसको टाइमर मैपिंग है मेरे पास, तो टाइमर मैपिंग मेरे पास ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है। अगर आपके पास सीक्वेंस आ रहा है, सीक्वेंस 1 2 3 जितनी भी आ रही है, आपने उन सबको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने रिजल्टिंग प्रोजेक्ट के ऊपर यहाँ पर कलेक्ट फाइल्स एंड कॉपी टू न्यू लोकेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन है। इससे क्या होगा, अगर आपके पास जो आपने क्लिप टाइमलाइन में नहीं यूज़ किया, अगर आप इसको टिक मार्क कर देते हैं, तो आपके पास यहाँ पर जितनी भी वीडियोज़ हैं, जैसे कि मैंने एक वीडियो यूज़ किया, बाकी 18 वीडियोज़ जो हैं मेरे पास यहाँ पर अनयूज़ हैं, ठीक है, यहाँ पर पड़ी हुई, तो वो सारी जो है इसमें इंक्लूड नहीं होंगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये सारी वीडियोज़ और इमेज जो है वो भी साथ कॉपी हो, तो उसके लिए मैं इसको अनमार्क कर देता हूँ। अनमार्क करने के बाद आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप इसको सेव कहाँ पर करना चाहते हैं। तो ब्राउज करके, ब्राउज करने के बाद मेरा ऑटोमेटिकली सिलेक्ट है, तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ प्रीमियर प्रो, और यहाँ पर ये रहा प्रोजेक्ट फाइल्स, तो सिलेक्टेड फोल्डर मेरा ठीक है वही सेम। तो उसके बाद आप इस डिस्क की अवेलेबल जो कैपेसिटी है वो देख सकते हैं, कितने GB आपकी जो अवेलेबल है, ठीक है, इसमें आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके बाद मैं ओके के ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरे पास जो है एनालाइजिंग शुरू हो गई है, ठीक है, मेरा जो प्रोजेक्ट शेयरिंग का प्रोसेस है वो शुरू हो गया है। तो यहाँ पर जो जितना भी मैंने यहाँ पर काम किया वो सब जो है मेरे पास सेव हो चुका है। तो गाइज़ अगर मैं यहाँ से अब इसको जो है कैंसिल कर जाता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास प्रीमियम प्रो जो है ऑफ हो चुका है, लेकिन मैं अब चाहता हूँ कि सेम वही सेटिंग्स मेरे पास ओपन हो। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा जहाँ पर मेरा प्रोजेक्ट मैंने अपना सेव किया है, ठीक है, तो जैसे मेरे पास यहाँ पर ये प्रोजेक्ट सेव हुआ है, तो यहाँ पर ये प्रोजेक्ट की फाइल है, ठीक है, जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास सेम वही चीज़ें आ जाएंगी, ये सारी वीडियोज़ वगैरह थी, ठीक है, जो मैंने यूज़ की। तो अगर मैंने इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, करने के बाद मेरे पास यहाँ पर जो प्रोजेक्ट फाइल है वो मेरे पास ऑन हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है थोड़ा सा टाइम लेगी, तो उसमें ये जो है प्रोजेक्ट फाइल जो है वो ऑन हो जाएगी। अगर तो तब तक अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पर जो है मेरे पास थोड़ी सी लोडिंग हो रही है, लोडिंग होती है, यहाँ पर मेरे पास ये सारा कुछ वही चीज़ें जो है ऑन हो चुकी हैं। और यहाँ पर मैं एक इमेज लगा देता हूँ साइड में सोर्स में, ताकि ये थोड़ा सा अच्छा लगे। तो यहाँ पर ये प्रोजेक्ट फाइल जो है सेम वही मेरे पास आ चुकी है। तो इस तरह जो है आप लोग अपनी जो प्रोजेक्ट फाइल है वो किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर आप जो चाहते हैं कि इस वीडियो को रेंडर करना है, एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे फाइल में। फाइल में जाने के बाद आप लोग इसको करेंगे एक्सपोर्ट, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होगा। उसके बाद आपने मीडिया पे क्लिक करना है, ठीक है, अगर आप चाहते हैं शॉर्टकट की इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप Ctrl+M इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो सेटिंग है वो है मैच सीक्वेंस सेटिंग्स, तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पर जितनी भी सेटिंग्स है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड हो मैच हो जाएंगी, ठीक है, आपकी वीडियो के हिसाब से। अगर आप इसको अनमार्क करना चाहते हैं तो उसके बाद आप लोग अपनी मर्ज़ी से करना चाहते हैं तो अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर फॉर्मेट है, फॉर्मेट में आप H.264 यही सबसे बेस्ट है, यही आप यूज़ करें, मैं भी यही यूज़ करता हूँ। मैं यहाँ पर कुछ और भी ऑप्शन है, जैसे आप AVI में करना चाहते हैं यहाँ पर, ठीक है, GEP में करना, GPG में करना चाहते हैं, यहाँ पर PNG में करना चाहते हैं, जहाँ पर भी आप करना चाहते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट जो यूज़ होता है वो यही है H.264। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप लोग प्रीसेट जो है अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर फेसबुक है, हाई 720 1080 Full HD, यहाँ पर मोबाइल के लिए, ठीक है, यहाँ पर यूट्यूब के लिए मैं करना चाहता हूँ, तो यूट्यूब के लिए आप लोग जो है Ultra 4K Ultra HD भी यूज़ कर सकते हैं, 1080p भी यूज़ कर सकते हैं, मैं 1080p यूज़ करूँगा।
और उसके बाद आप लोग यहाँ पर कोई कमेंट देना चाहें तो कमेंट भी दे सकते हैं। और उसके बाद आप लोग जो आउटपुट का नेम क्या रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं नेम रखूँगा, यहाँ पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद मैं इसका नेम रख देता हूँ, तो मैंने इसका नेम रख दिया स्लोमो कार। और उसके बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर यूट्यूब वाले फोल्डर में मेरा ये वीडियो जो है सेव होगी। तो उसके बाद मैं यहाँ पर नीचे कुछ और सेटिंग्स हैं, ठीक है, आप इनको कुछ भी छेड़छाड़ ना करें, ये सेम ऐसे ही रहने दें। और उसके बाद आप यहाँ हैं तो यहाँ पर यूज़ मैक्सिमम रेंडर क्वालिटी ये टिक कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से अगर आप करना चाहें। तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर सिंपल जो आप इसका जो साइज़ है फाइल का वो भी देख सकते हैं, 7 MB है। तो यहाँ पर आप लोग जो है सिंपल इसको एक्सपोर्ट पे लगा दें। एक्सपोर्ट पे लगाने के बाद यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा टाइम लेगा, या अपनी वीडियो के हिसाब से टाइम लेगा कि आपकी वीडियो कितनी लंबी है और कितने जो ग्राफिक आपने चूज़ किया पिक्सल, उस हिसाब से जो है टाइम लेगी आपके पास। तो मेरे पास यहाँ पर रेंडर हो चुकी है, तो मैं अब आप लोगों को वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जाते हैं यूट्यूब में, यूट्यूब में जाने के बाद मेरे पास यहाँ पर पड़ी होगी, तो ये रही मेरे पास ये वीडियो, ठीक है, स्लोमो कार। तो यहाँ पर ये पहले पिक्चर है, फिर ये है, तो ये मेरे पास फुल HD में है। तो आप लोग देख सकते हैं ये मेरे पास फुल HD में है, MP4 में। तो यहाँ पर ये इस तरह जो है मैंने इसको रेंडर कर लिया। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कैसे आप लोग जो है इसको रेंडर कर सकते हैं प्रीमियम प्रो में, और कैसे आप लोग जो है अपना प्रोजेक्ट शेयर कर सकते हैं किसी के साथ भी। तो गाइस फाइनली आज हमारा कोर्स जो है वो मुकम्मल हो चुका है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपने इस कोर्स की बाकी वीडियोज़ नहीं देखी तो वो भी देखें, ठीक है, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हैं, 50 वीडियोज़ हैं फुल कोर्स की। तो आप लोग जो है सारी वीडियोज़ देख सकते हैं फ्री में। तो गाइज मुझे नहीं कमेंट में बताना ज़रूर आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।